बंदर की सीख। बंदरों का सरदार अपने बच्चे के साथ किसी बड़े से पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। बच्चा बोला, मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ पत्तियां दे सकते हैं? बंदर मुस्कुराया, मैं दे सकता था, पर अच्छा होगा तुम अपने आप से पत्तियां तोड़ लो। लेकिन मुझे तो पत्तियों की पहचान नहीं है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, बंदर बोला, इस पेड़ को देखो, तुम चाहो तो नीचे की डालियों से पुरानी कड़ी पत्तियां चुनकर खा सकते हो, या ऊपर की पतली डालियों से उगी हुई ताजी नरम पत्तियां भी तोड़ सकते हो। बच्चा बोला, ये ठीक नहीं, पलाई अच्छी अच्छी पत्तियां नीचे क्यों नहीं उगती, ताकि सभी लोग आसानी से खा सके। यही तो बात है, अगर वो सबके पहुँच में होती तो उनकी उपलब्धता कहाँ हो पाती, उनके बढ़ने से पहले लोग उन्हें तोड़कर खा जाते, बंदर ने समझाया। लेकिन इन पतली डालियों पर चढ़ना खतरनाक हो सकता है, डाल टूट सकती है, मेरा पाँव फिसल सकता है, मैं नीचे गिर सकता हूँ, चोटिल हो सकता हूँ, बच्चे ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। बंदर बोला, सुनो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो, हम अपने दिमाग में खतरे की तस्वीर बनाते हैं, अक्सर खतरा उससे कहीं कम होता है। पर ऐसा है तो हर बंदर उन डालियों से ताज़ा पत्तियाँ तोड़ कर क्यों नहीं खाता? बंदर कुछ सोचकर बोला, क्योंकि ज्यादातर बंदरों को डर कर जीने की आदत पड़ चुकी है, वो सड़ी गली पत्तियां खाकर उसकी शिकायत करना पसंद करते हैं, पर कभी खतरा उठाकर कोशिश नहीं करते जो सचमुच पाना चाहते हैं। पर तुम ऐसा मत करना, ये जंगल तमाम संभावनाओं से भरा हुआ है, अपने डर को जीतो और ऐसी जिंदगी जियो जो तुम सचमुच जीना चाहते हो। बच्चा समझ चुका था कि उसे क्या करना है, उसने तुरंत अपने डर को पीछे छोड़ा और ताजी नरम पत्तियों से अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, आप ही सोचिए, खुद खतरे को बहुत बड़ा बनाकर डर के बैठ कर रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके कुछ सपने हैं, कुछ ऐसा जो आप रियली करना चाहते हैं, तो जरूर कीजिए, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी मनचाही जिंदगी आप जी सकते हैं, बस डर ना छोड़ दीजिए। गधे की सवारी। एक बार एक आदमी और उसका बेटा दूर के शहर के मेले से एक गधा खरीद कर अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आदमी को बोलते हुए सुना, अरे देखो उन मूर्खों को, गधा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। दोनों ने सोचा, ये तो सही बात है, और दोनों गधे के ऊपर बैठकर सवार हो गए। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने एक और आवाज सुनी, अरे देखो देखो उस गरीब गधे को, ये दोनों हट्टे कट्टे उस बेचारे को परेशान कर रहे हैं, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। उस आदमी को गधे पर तरस आया और वो गधे से नीचे उतरा। थोड़ी देर बाद खेत से गुजरते हुए उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी, इस लड़के को कोई शर्म है या नहीं, बेचारा बूढ़ा पैदल चल रहा है और ये गधे पे बैठा है, अगर ये पैदल चलता और पिताजी को गधे पे बैठाता तो कितना ठीक होता। लड़का फौरन नीचे उतरा और उसने अपने पिताजी को गधे पे बिठा दिया। थोड़ी ही देर बाद वो लोग गांव पहुंचे ही थे। ये तो हद हो गई, इतना स्वार्थी आदमी आज तक मैंने नहीं देखा, अपने बेटे को पैदल चला रहा है और खुद गधे पर बैठा है, वाह भाई वाह। फिर क्या, उन दोनों ने गधे को लाठी से बांधकर उल्टा अपने कंधे पर लटका लिया और घर की तरफ चल दिए। घर के पास आते ही सब लोग उन पर हंसने लगे, गधे को ऐसा उल्टा लटका कर क्यों ले जा रहे हो, क्या वो बूढ़ा है, क्या उसकी टांग में चोट लगी है? तभी उस आदमी ने रास्ते का पूरा किस्सा उसे सुनाया। खुद की अकल का इस्तेमाल किए बिना लोगों के कहने पे चलोगे तो यही होगा, सब लोग तुम पर हंसेंगे। आप बिल्कुल सही हो चाचा, एक ही वक्त पर सभी को खुश करना नामुमकिन है। फालतू की बहस में मत पड़ना। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था, उसमें राम नामक युवक रहता था।
राम उल्लास और मस्ती में टहलने निकला। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास आया। उस नदी के ऊपर से एक पुल गुजरा था। राम पुल पे चढ़ा तो उसे एक और राम दिखा। अरे तू, इस पुल से तो सिर्फ एक ही जाएगा मालूम, और मैं करूंगा पहले, तू वही खड़ा रहे। पहले वाला राम बोला, हाँ सही कह रहा है तू, यहां से एक ही बाहर निकलेगा और वो मैं हूं, तू मेरी प्रतीक्षा कर। दूसरा राम बोला, मैं पहले यहां आया हूं, मैं पुल पार करूंगा। पहला राम बोला, मैं पहले यहां आया हूं, मैं पहले पार करूंगा। दूसरा राम बोला, ये पुल मेरे दोस्तों ने बनाया है, मेरा जाना पहले होगा, समझे। दोनों आमने सामने आकर लड़ने लगे और बहस करने लगे और समय बीत गया और दोनों में से कोई पीछे हटने को राजी ना हुआ। पहला राम गुस्से में आया और पुल की तरफ चल पड़ा। ये देखकर दूसरा राम भी दूसरी तरफ से बढ़ा। अंत में दोनों पुल के बीच में आकर आमने सामने खड़े हो गए और कोई पीछे हटने को राजी न था और तू तू मैं से बात हाथापाई पर आ पहुंची और लड़ाई करते हुए दोनों जाकर पानी में गिर गए। जब उन्हें पछतावा हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, दोनों दरिया में डूब के मर गए। दौलत। एक बार की बात है, हरि और रवि नामक दो दोस्त थे। दोनों ही एक ही रास्ते पर रहते थे। हरि बहुत ही धनवान था लेकिन कोई फायदा नहीं था उसका। हरि को नींद नहीं आती थी। दूसरी तरफ रवि को मस्त और बिंदास नींद का आनंद मिलता था। हरि रवि से इस बात को लेकर जलने लगा। सोचा, रवि इसलिए अच्छी नींद सोता है क्योंकि इसको दौलत की परवाह नहीं, ना इसको लालच, क्यों ना इसको लालच दी जाए। एक दिन सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा वो रवि के पास लेकर गया। रवि, मुझसे तुम्हारी यह गरीबी देखी नहीं जाती, तुम दोस्त हो, आखिर कब तक तुम इस हाल में रहोगे। ये लो, ये सोने के सिक्कों की बोरी तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएगी। रवि खुश होता है, वो उस बोरे को लेता है और घर में छुपाता है। लेकिन फिर बेचैन होकर खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। उसकी नींद उड़ जाती है। उसे चोरी का डर रात भर सताता है। रवि रात भर व्याकुल रहता है। डाके और चोरी के डर से उसे नींद नहीं आती। दूसरे दिन रवि हरि के पास जाता है और बोलता है, दोस्त समझ आ गई तेरी चाल, ले भाई तू अपनी दौलत अपना पैसा अपने पास रख, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर रवि वहां से निकल गया और चैन की नींद सो गया। टोपी वाला और बंदर। एक दिन एक टोपियों का व्यापारी टोपियां बेचने दूर के शहर जा रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। वो बहुत थक चुका था। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने अपनी टोकरी रखी और खाने का डब्बा निकालकर खाने के लिए बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और वो आराम से पेड़ पे टेक लगाकर सो गया।
लेकिन उसे पता नहीं था कि पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर हैं। बंदरों ने उसकी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां देखी और उन टोपियों के साथ खेलने का सोचा। एक एक करके सब बंदर नीचे आ गए। हर एक बंदर ने एक एक टोपी उठाई और फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गए। टोपी वाले की नींद खुली और उसने देखा कि टोपी की टोकरी खाली थी। वो बहुत डर गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि टोपियां गई किधर। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी सब टोपियां किसने चुराई? कहां गई मेरी टोपियां? उसने जब पेड़ की तरफ देखा तो वो चौंक गया। उसकी सारी टोपियां बंदरों के सिर पर थी। वो गुस्से से जोर से चिल्लाने लगा ताकि बंदर टोपियां उसे वापस कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा बंदर उसकी नकल करने लगे। ये देखकर उसे एक उपाय सूझा। वो अपने दोनों हाथ उठाकर हिलाने लगा तो बंदरों ने भी वही किया। उसके बाद वो जोर जोर से कूदने लगा तो बंदर भी उसके जैसे ही कूदने लगे। फिर उसने अपनी टोपी उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दी। फिर क्या, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां जमीन पर फेंक दी। टोपी वाले ने सारी टोपियां उठाकर अपनी टोकरी में रखी और शहर की तरफ निकल पड़ा। तो क्या समझे बच्चों, अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो उपाय मिल ही जाता है। दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।